नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सपना पांडे। आइए डालते हैं एक नजर उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की खबरों पर। भाजपा ने स्लट उपचुनाव में महेश जीना को बनाया प्रत्याशी, आज करेंगे नामांकन। अल्मोड़ा जिले की स्लट विधानसभा सीट के लिए 17 अप्रैल को होने जा रहे उपचुनाव में भाजपा ने महेश जीना को प्रत्याशी बनाया है। महेश जीना स्लट के विधायक रहे स्वर्गीय सुरेंद्र सिंह जीना के भाई हैं। राज्य की चौथी विधानसभा के यह लगातार तीसरा उपचुनाव है जिसमें भाजपा ने सीट पर प्रतिनिधित्व कर रहे विधायक के निधन से रिक्त हुई सीट पर उनके ही स्वजन को मैदान में उतारा है। मैं पार्षद पिंटू सिंह, वार्ड 35, अकबरपुर बहरामपुर। मेरे तरफ से सभी देशवासियों व क्षेत्रवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। कोरोना का संक्रमण दोबारा बढ़ रहा है, अपने घर पे रहें, परिवार के साथ होली मनाएं। बाहर जाते समय मास्क का उपयोग करें और 2 गज की दूरियां बनाए रखें। एक बार पुनः सभी को होली का हार्दिक शुभकामनाएं। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, प्रदेश का मुखिया योगी आदित्यनाथ जी, सांसद जनरल बीके साहब, मेयर आशा शर्मा जी को इस होली के त्यौहार पे बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। देहरादून में युवक ने छोटे भाई के सिर पर फावड़ा मारकर उतारा मौत के घाट। देहरादून रायपुर थाना क्षेत्र के पेरिस विहार में शराब पीकर 2 भाइयों ने झगड़ा हो गया। इस दौरान बड़े भाई ने छोटे भाई के सिर पर फावड़े से वार कर दिया। गंभीर हालत में घायल को कॉर्नेशन अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां इलाज के दौरान 29 मार्च को उसकी मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है। नगर पालिका परिषद नगीना जिला बिजनौर की तरफ से होली के मौके पर सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। होली 2021 के अवसर पर नगर पालिका परिषद नगीना की ओर से नगर वासियों के लिए जरूरी सूचना। नगर को स्वच्छ रखें, पेयजल का दुरुपयोग ना करें, करों का समय से भुगतान करें, पालिका की आराजी पर अतिक्रमण ना करें, नगर को शौच मुक्त करने में सहयोग करें, जन्म मृत्यु पंजीकरण समय से कराएं, कूड़ा करकट कूड़ेदान में ही डालें। कोरोना का खतरा अभी टला नहीं, इसलिए 2 गज की दूरी मास्क लगाना है जरूरी। निवेदक श्रीमती ताहिरा बेगम, अध्यक्ष नगर पालिका परिषद नगीना जिला बिजनौर। इंद्रपाल सिंह, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद नगीना जिला बिजनौर। और अब खबरें उत्तर प्रदेश से। कानपुर के एक कार्डियोलॉजी अस्पताल में इमरजेंसी वार्ड में भड़की आग, सभी 8 मरीजों को कराया शिफ्ट। कानपुर के कार्डियोलॉजी अस्पताल में रविवार की सुबह आग लगने से घटना के 2 दिन बाद फिर आग भड़कने से दहशत फैल गई। मंगलवार भोर पहर 2 बार भड़की आग ने अफरा तफरी का माहौल बन गया। पहले इमरजेंसी वार्ड के AC में आग लगने से सभी 8 मरीजों को तत्काल शिफ्ट कराया गया। इसी के करीब 3 घंटे बाद रूम नंबर 1 में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। हालांकि अस्पताल स्टाफ ने आनन फानन अग्निशमन यंत्र के आग पर काबू पा लिया और समय पर दमकल की गाड़ियां भी पहुंच गई। सपा पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष पप्पू लाल निषाद बोले, भाजपा की नीतियां पिछड़ों दलितों के विरोधी हैं। समाजवादी पार्टी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के नवनियुक्त प्रदेश उपाध्यक्ष पप्पू लाल निषाद मनोमय के बाद पहली बार प्रयागराज पहुंचे। सपा कार्यकर्ताओं ने फूलमालाओं के साथ उनका जोरदार स्वागत किया। सपा के जिला कार्यालय जॉर्ज टाउन में मौजूद पार्टी के नेताओं, पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं को उन्होंने दिशा निर्देश दिया और कहा कि समाजवादी पार्टी ही प्रदेश के पिछड़े, दलितों और अल्पसंख्यक सहित समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चलने का विश्वास रखती है। सपा सरकार की योजनाओं का लाभ सभी को समान रूप से मिला है, जबकि भाजपा सरकार में दलितों पिछड़ों के साथ लगातार अत्याचार के मामले बढ़ते ही रहे हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की सभी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए दैनिक भास्कर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश।